मातृत्व लाभ सुधारणा कायदा 2017 कलम 11 अ नुसार ज्या आस्थापनेमध्ये 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी आहेत अशा कोणत्याही आस्थापनांना शिशु संगोपन केंद्र सुविधा असेल, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्त्री पुरुष समानतेच्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन भारतीय डाक मुंबई क्षेत्र अमृतकालचा एक भाग म्हणून प्रथमच मुंबई शहरातील दादर पूर्व विलेपार्ले चेंबूर तसेच बोरिवली या चार प्रभागांमध्ये शिशु संगोपन केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले असून शिशु संगोपन केंद्राचे उद्घाटन श्रीमती स्वाती पांडे पोस्टमास्टर जनरल भारतीय डाक मुंबई क्षेत्र या ठिकाणी 20/1/2023 रोजी दादर मुख्य पोस्ट ऑफिस या ठिकाणी करण्यात आले. कार्यालयातून घरापर्यंत तसेच घरातून कार्यालयापर्यंत प्रवास करताना दररोज लागणारा प्रवासाचा वेळ आणि दमवणारे कामाचे तास यातून भारतीय डाक मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांना मानसिकदृष्ट्या प्रेरित आणि तणावमुक्त ठेवण्यासाठी शिशु संगोपन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली असून 19 मुलांना सध्या त्यांच्या पालकांच्या कामाच्या वेळेनुसार संगोपन केंद्रांमध्ये सामावून घेतले जात आहे. आई वडील दोघेही नोकरी करणारे आणि वडील भारतीय डाक विभागाचे कर्मचारी असलेल्या मुलांनाही संगोपन केंद्रात सामावून घेतले जाईल असेही नमूद करण्यात आले. श्रीमती स्वाती पांडे यांनी युवा स्तंभ न्यूज चॅनलला दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की आज हमारे लिए एक बहुत ही लकी पावन दिवस है क्योंकि एक तो मैं खुद महिला हूँ, माँ भी हूँ, हालांकि मेरा बच्चा अब इतना छोटा रहा नहीं, फिर भी इसका व्यथा कि बच्चों को छोड़कर या कहाँ छोड़कर आया जाए. पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करता था, आज के दिन में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो हमारी जो स्टाफ है लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं ये सब अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल क्रेश में छोड़कर आते हैं. और आप ये भी जानते हैं कि लॉ कानूनी हिसाब से कोई भी एम्प्लॉयर 50 से ज़्यादा अगर लेडीज़ या जेंट्स इच्छा करें कि क्रेश होना चाहिए या होना चाहिए था. और अमृतकाल में प्रधानमंत्री जी ये भी चाहते हैं कि हम एक सुखद परिवार जैसे इंक्लूसिव बोथ विद इन एंड आउटसाइड अपना कार्यरत रहे. इंडिया पोस्ट मुंबई रीजन बहुत ही एक एचआर रिच रीजन है. जब मैं एचआर रिच बोलना चाहती हूँ, हमारे साथ प्राय 5,500 स्टाफ मेरे साथ हैं और वहाँ के 40% लेडीज़ हैं. इसका मतलब ये है लेडीज़ तो 40% हैं लेकिन जेंट्स 60% हैं, उनके भी बच्चे हैं. सो वी हैव, आप ले लीजिए एटलीस्ट 30% वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं. तो ये 30% 5,500 बहुत ही एप्रीहेंसिव वेरी गुड नंबर है. तो इसीलिए मैं सोची और बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्रेश खोलेंगे, कहाँ खोले, एक खोले, दो खोले. सडनली विथ एवरीबडी सबके साथ चर्चा करके हमें लगा क्योंकि बॉम्बे शहर लॉन्गिट्यूडनली है ना, सेंट्रल भी और आपका वेस्टर्न लाइन भी. तो हम आज के दिन आज अभी साइमल्टेनियस 4 क्रेश खोल रहे हैं. दादर एचओ जहां आप यहां बच्चे देख रहे हैं, चेंबूर एचओ हमारे ईस्टर्न लाइन के लिए सेंट्रल लाइन के लिए, और विलेपार्ले रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस के अंदर तहत, और बोरीवली एचओ. तो राइट नाउ 4 क्रेशेस और मेरा बहुत दिली ख्वाहिश है कि मैं मुंबई जीपीओ में भी एक क्रेश खोलूंगी क्योंकि मुंबई जीपीओ का रेनोवेशन चल रहा है. तो फिलहाल उसका और 2-3 महीने में भी लोपिन. तो कुल मिलाकर हम आज 4 और 1 तो 5 क्रेश खोलेंगे. आज के दिन में हमारे पास 26 एनरोलमेंट है ये 4 सेंटर्स में. बच्चों का मन में खुशी देखकर और उनके माताओं के मन में थोड़ा सा मुंह में स्माइल देखकर मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये और ग्रो करेगा. तो जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे हम लोग डायनेमिकली इसको चेंज करेंगे. तो बच्चों का कैसे रिस्पॉन्स है ये सेंटर में आप खुद ही देखिए. आप बच्चे ऑलरेडी गेम्स लेकर बिजी हो गए हैं. हाँ, तो सेंटर की प्रिपरेशन आप देख रहे हैं, बिल्कुल सरकारी ऑफिस दिखता नहीं है. राइट फ्रॉम द मैटिंग जो कि कलरफुल है, टू द वॉल देखो, टू द पर्दा, आई थिंक हमारे ऑफिसर्स ने बहुत ध्यान दिया कि इसको अच्छा. और बच्चों के रुचि के हिसाब से लोग जब सोचते हैं पोस्ट ऑफिस, लोगों को लगता है वही पुरानी भूली बिसरी बिल्डिंग, वही लोग. बट आज आप देखिए मेरी माताएं कितनी स्मार्ट हैं. द यंग फादर जो अपने बच्चे को लेकर आए हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप. यही रहा है पोस्टल फैमिली. और हमारे पास बॉम्बे में इतना बिल्डिंग रियल एस्टेट है, दादर में ये लोकेशन इज अ रियल एस्टेट माइन, है ना. तो यहाँ आप खुद ही देखिए, आप परिसर आपके सामने सब खुला है, बाहर पानी का, स्वच्छ जल का,
बंदोबस्त है, साइड में वी हैव अ क्लीन बाथरूम। तो आई थिंक ये ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स हर तरह है, जेंडर सिर्फ नहीं, ऑल्सो मेंटल स्टीरियोटाइप ऑफ इंडिया पोस्ट। पोस्ट ऑफिस के सभी जो कर्मचारी हैं उनके लिए तो आपने ये अच्छा ही एक उपक्रम यहाँ पे रखा है, तो और आगे और पोस्ट के ऑफिस के तरफ से और क्या उपक्रम आने वाले हैं? देखिए उपक्रम मुझे रोज एक नया सूझता है, बट जिस रेट में मुझे सूझता है वो बड़ा मुश्किल होता है उसको कार्यरत करना, क्योंकि काम भी यहाँ का मुंबई रीजन इंडिया पोस्ट का सबसे हेवीएस्ट रीजन है विजवी वर्क। हम सालाना प्राय आप सोचिए 1000 करोड़ का रेवेन्यू देते हैं इंडिया पोस्ट को। लेकिन नेक्स्ट जो एक्साइटिंग उपक्रम मेरे हिसाब से है मेरी मुंबई जीपीओ की ओपनिंग, क्योंकि मुंबई जीपीओ 118 साल पुराना बिल्डिंग है और एकदम बॉम्बे के दिल में है, जो कि बीएमसी सीएसटी और मुंबई जीपीओ जो ट्राई जंक्शन है, तो शायद उसी की अनवीलिंग और उसकी डोम का आप इंतज़ार कीजिए। डोम में स्कैफोल्डिंग ऑलरेडी लगा है, 31 मार्च को मुझे हमें लग रहा है कि हम एक नया सुंदर ब्यूटीफुल डोम इस शहर को समर्पित करेंगे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मुंबई जीपीओ। ट्रेचेस में हमारी दीदी है जो कि पोस्टल एम्प्लॉय भी है, तो ये बच्चों को आप देख रहे हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं, शायद खिलाना बड़ा मुश्किल है, तो ये एक्टिविटीज़ ये है कि जब बच्चे झगड़ा करें उनको अलग करेंगी, हम बच्चों को मदद करेंगी खेलने के लिए, बच्चों का होमवर्क पढ़ाई, मैं वही बोली कि पढ़ाई लिखाई जो रहेगा उनका बेसिक प्राइमरी वो कराएंगी, बच्चों को कहानी सुनाएंगी, तो बच्चों का मानसिक विकास जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल बच्चे सिंगल चिल्ड्रेन हैं और माँ बाप काम करते हैं, हमारे माताएं थाने कल्याण वसई विरार से आती है, तो सोशल स्किल्स कि एक परिवार में बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करें, शेयरिंग दोस्ती है, लड़ाई झगड़ा को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऐसे सोशल एटमॉस्फेयर में कि एडजस्ट कैसे करें। अकेला सिंगल चाइल्ड आकर के सोसाइटी में एक विकसित इंसान कैसे बने, मुझे लगता है ये सबसे यहाँ का महत्व टेक ऑफ होगा। थैंक यू। माझं नाव उषा नामदेव जोडर। तुमचं जे नाव असेल ना ते सांगा, तुम्ही ह्या सेंटरमधून वर्क करताय माहिती नाही चोर, हां ते सांगा, आणि तुम्हाला हे सेंटर चालू झाल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटतं आहे त्याबद्दल। माझं नाव उषा नामदेव जडर, माही मेचो, MPS। मला हे जेव्हापासून पाळणाघर ओपन झालं तेव्हापासून म्हणजे मनातूनच खूप वाटतं आहे की आपल्या जसं मुलांना लहानपणापासून सांभाळलं तसं आपल्या स्टाफच्या मुलांसाठी करावं, कारण वेस्टर्न सेंट्रल हार्बर सगळीकडून लांबून लांबून आज बदलापूरवरून मी स्वतः येते 2 तास, कारण मी सुद्धा पाळणाघरात ठेवायची लग्नाच्या आधी, पण नंतर आईने माझ्या सांभाळलं मुलांना, पण माझ्या मनात खूप होईत की माझ्याकडून काहीतरी लहान मुलांसाठी करावं म्हणून मी हे स्वीकारले। सगळ्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही काय सांगाल मुलांसाठी इथे त्यांनी आणावं? हां आणावं, आणि मी हे मनापासून करणार म्हणून मॅडमने माझंच नाव सुचवलेलं आहे। एक उभारणं केली आहे, सेटअप केलेला आहे, सो हा सेटअप आमच्यासाठी खूप हे म्हणजे एन्थुझियाटिक हो झालेला आहे, कारण आमची मुलं आणि काम आम्ही दोन्ही एकत्र बघू शकतो, मुलांना घरी ठेवलं की आमच्याकडे जी चिंता होती ती मिटलेली आहे, क्रेचमध्ये आम्ही बघू शकतो आमची मुलं पण आणि सायमल्टेनियसली आम्ही काम पण करू शकतो, सो थँकफुल टू द डिपार्टमेंट। दादर HO मध्ये मी काम करते आणि मुंबई ईस्ट डिव्हिजनतर्फे आहे मी। आमच्या आदरणीय स्वाती पांडे मॅडमनी जो हा उपक्रम सुरू केला आहे ना तो अत्यंत म्हणजे खूपच स्तुतनीय आहे, कारण का कधी कधी अशी वे येते की कोणाला म्हणजे मुलांना सांभाळायला घरी कोणी नसतं किंवा खूप असं अडचणीचं होतं, पण ह्या उपक्रमामुळे ना आम्हाला फार मोठा म्हणजे एक दिलासा मिळालेला आहे आणि मॅडमनी हा उपक्रम सुरू करून आम्हाला म्हणजे खूपच एक छान अशी म्हणजे भेट दिलेली आहे नवीन वर्षाची। आमच्या HOs मध्ये वगैरे चालू केलेली आहेत, आजच एकाच दिवशी आमच्या बाकीच्या HOs मध्ये पण हे असे सेंटर चालू केलेले आहेत। माझं नाव स्नेहा पाटील आणि मी 17 वर्ष झाले मी जॉब करते आहे। मुलांना सांभाळून ऑफिस करणं खूप जास्त कठीण असतं,
कारण खूप टेन्शन असतं, मुलं घरी काय करत असतील काय करत असतील, खूप असं बेबीसेटिंगला ठेवणं पण खूप रिस्की वाटतं आत्ताच्या जगामध्ये. तर आता जे आमच्या डिपार्टमेंटने सुरू केलेलं आहे ती खूप चांगली संकल्पना आहे. मुलं आमच्या डोळ्यासमोर राहतील आणि आम्ही बिंदासपणे ऑफिसमध्ये कामही करू शकतो. किती उशीर झाला काही झाला तरी काही टेन्शन नसणार आहे. आम्ही खूप रिलॅक्स असू आणि मुलंसुद्धा आमच्या डोळ्यासमोर खूप छान व्यवस्थित खेळतील रमतील आणि आम्ही असूच त्यांच्यासमोर. त्याच्यामुळे आमच्या मॅडमला खूप खूप धन्यवाद, त्यांनी आमच्यासाठी आमच्या मुलांसाठी हा उपक्रम राबवला. थँक्यू. मेरा नाम हिरल पंचाल है और मैं दादर एचओ में हूँ. मैं 10 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ. मैं मेरा पर्सनल बताऊँ तो सबसे पहले मैं अपना पीएमजी मैडम को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है 6 साल की और मेरे घर में कोई रखने को भी नहीं है. तो आई नो द वेरी वेल व्हाट इज़ द पेन ऑफ द मदर कि वर्क कल्चर और घर को देख के कैसे करना है. तो मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ और ऐसे भी दूसरी एचओज में भी ऐसा और बेबी सिटिंग ओपन हो ऐसा मैं कामयाबी कर मतलब विश करती हूँ.